इस वीडियो में हम सिर्फ देखेंगे क्या कि कौन से ड्रग्स यूज होती हैं गाउट के लिए। तो जो गाउट है उसका अटैक दो तरीके से हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ड्रग दो तरीके से यूज हो सकती है। ड्रग यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट, मतलब गाउट का अटैक एक्यूट है, उस केस के अंदर जो ड्रग्स हैं वो हम देखेंगे, और दूसरी कैटेगरी की ड्रग है वो होती है क्रोनिक गाउट के लिए। तो पहले हम देखेंगे एक्यूट गाउट के लिए। तो एक्यूट गाउट के लिए जो ड्रग्स है वो है एनएसीआईडीज, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। दूसरी है कोल्चिसिन, जो एक नेचुरल प्रोडक्ट है फ्रॉम कोल्चिकम ओचमनील। तीसरा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो अब आपको क्या करना है, इसको याद करने का एक तरीका है क्या कि एनसीसी वालों को, एनसीसी आप जानते हो, सिर्फ याद करने के हिसाब से बता रहा हूं, हम किसी चीज से कोरिलेट नहीं कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अपना पर्पस यहां पर जितने भी निमोनिक दिए हुए हैं इतना सा है कि जो चीज ड्रग्स है उनका नाम याद हो जाए, क्लासिफिकेशन याद हो जाए। प्लीज डोंट कोरिलेट दिस थिंग विद एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन और अ पर्टिकुलर थिंग। तो हम बात कर रहे हैं ड्रग यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट। तो आपको याद रखना है कि एनसीसी वालों को एक्यूट गाउट नहीं होता। तो एक्यूट गाउट किसको नहीं होता, एनसीसी वालों को। एनसीसी का आप जानते हो नेशनल क्रेडिट कॉर्प्स। तो एन से क्या बना, एनएसीआईडीज, सी से क्या बना, कोल्चिसिन, और सी से क्या बना, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो ये बात हो गई। अब इसमें फिर एक चीज आती है कि एनएसीआईडीज कौन सी एनएसीआईडीज। तो एनएसीआईडीज का हम क्या करते हैं, पिंड देते हैं। पिंड का मतलब क्या होता है, कोई भी गोल से चीज होती है ना उसको हिंदी में पिंड बोलते हैं। एक तरह से हमने टेबलेट दे दी। तो पिंड की स्पेलिंग क्या है, PIND। अब यहां पर क्या है, नया सा। तो नया और सा, एनएसीआईडी को याद करने के लिए नया सा क्या देते हैं, पिंड। तो एनएसीआईडी की ये वाली एनएसीआईडी देते हैं, पी से क्या बना, पिरोक्सिगाम, आई से इंडोमिथासिन, एन से नेपरोक्सेन, और डी से डाइक्लोफेनेक। सो दीज आर द एनएसीआईडीज विच आर गिवन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट। ये तो एक बात है, और भी एनएसीआईडीज हैं लेकिन ये चार मेन हैं। तो ये तो निमोनिक हो गया ड्रग यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट। अब बात करेंगे ड्रग यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक गाउट। भैया ये जो बीमारी है ये कौन सी है, गाउट जिसके अंदर यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो गया ब्लड के अंदर, स्पेशली जॉइंट्स के अंदर। अब यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन क्यों बढ़ी, इसके दो कारण हो सकते हैं। दो कारण क्या है, या तो यूरिक एसिड का ओवर प्रोडक्शन हो गया, यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया, या फिर इसका जो एक्सक्रीशन है वो एक्सक्रीशन क्या हो गया, कम हो गया। तो हमारे पास क्या स्ट्रेटेजी है कि या तो हम इसको बनने नहीं दें, अगर बनने नहीं दे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो यूरिक एसिड का सिंथेसिस है हमें वो सिंथेसिस पे रोक लगानी पड़ेगी। तो इसी के अंदर सिंथेसिस को रोक करने के लिए मैं क्या करता हूं, सिंथेसिस इनहिबिटर देता हूं। तो सिंथेसिस से क्या होगा, सिंथेसिस को इनहिबिट करने से क्या होगा, यूरिक एसिड नहीं बनेगा, तो हाइपरयूरिकेमिया नहीं होगा। और दूसरा तरीका क्या है, जो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन जो कम हो गया उस एक्सक्रीशन को इंक्रीज करना है, मतलब मैं क्या करूंगा, यूरिकोसूरिक ड्रग दूंगा। तो यूरिकोसूरिक ड्रग वही तो होती हैं कि दीज आर द ड्रग्स विच फैसिलिटेट द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। तो प्रॉब्लम क्या थी, ब्लड के अंदर यूरिक एसिड ज्यादा कंसंट्रेशन में था, तो आपने एक तो उसका प्रोडक्शन भी कम कर दिया और उसका एक्सक्रीशन भी बढ़ा दिया। यही दो कैटेगरी की ड्रग यूज होती हैं ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक गाउट। अब देखते हैं इसका निमोनिक कि कौन सा निमोनिक याद करना है। तो आपको चीज ध्यान में रखनी है क्या, कि जो ड्रग्स क्रोनिक गाउट के ट्रीटमेंट में काम आती है ना, ये ड्रग्स क्या करती हैं, यूरिक एसिड के यूपीएस को साफ कर देती हैं। भाई यूपीएस क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, कहीं ना कहीं से सप्लाई हो रहा है यूरिक एसिड का। तो ये ड्रग्स क्या करेंगी, इस यूपीएस को क्या कर देंगी, साफ कर देंगी। साफ करने का मतलब यहां पर क्या है, खत्म कर देंगी। तो ड्रग यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक गाउट यूरिक एसिड के यूपीएस को साफ कर देंगी। अब देखते हैं वन बाय वन यूपीएस और साफ का। यू का मतलब क्या है, यूरिकोसोरिक ड्रग्स। पी का मतलब क्या है, इस कैटेगरी में ड्रग आती है प्रोगन एसिड।
एस इसमें कैटेगरी ड्रग, इस कैटेगरी में ड्रग आती है सल्फिन पायरोजिन, सल्फिन पायरोजोन सॉरी, तो ये तो हो गया है यूपीएस। अब बात आती है साफ एस ए एफ, एस से क्या बना सिंथेसिस इनहिबिटर्स, इसमें पहली कौन सी ड्रग है ए, ए से बनता है एलोप्यूरिनोल और एफ से क्या बना फेबिक्सोस्टेट। तो कितना इजी है, दीज आर द ड्रग्स विच आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, जो दो तरीके है एक्यूट गाउट ऑफ क्रोनिक गाउट। तो ये तो है निमोनिक की बात। अब मैंने बताया कि गाउट होगा दो कारण से, कि या तो प्रोडक्शन ज्यादा हो गया या एक्सक्रीशन कम हो गया। लेकिन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आया है कि किस ड्रग की वजह से गाउट हो जाएगा। कई बार ड्रग्स जब लंबी चलती हैं, ट्रीटमेंट लंबा चलता है, तो वो क्या करती हैं, यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को इंटरफेयर करती हैं, उसकी वजह से गाउट हो जाता है या हाइपरयूरिकेमिया हो जाता है। तो यही टॉपिक आपके सामने, इससे अलग है ड्रग इंड्यूस्ड गाउट, मींस द ड्रग्स विच इंड्यूस गाउट, वो ड्रग जो लंबे समय तक लेंगे उनका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, गाउट होगा या हाइपरयूरिकेमिया होगा। देखते हैं कौन कौन सी है। तो अगेन उसका एक निमोनिक है। निमोनिक क्या है कि अगर आपने थाई खाना खाया, हिंदी में समझा रहा हूं पहले, अगर आपने थाई खाना खाया जल्दी और फास्ट, तो आपको क्या हो जाएगा, हाइपरयूरिकेमिया, यूरिक एसिड हो जाएगा। उसको इंग्लिश में लिखा हुआ है कि ईटिंग थाई लंच फास्ट एंड प्रॉम्प्टली कॉजेज हाइपरयूरिकेमिया। तो ईटिंग ऑफ थाई लंच फास्ट एंड प्रॉम्प्टली इट कॉजेज हाइपरयूरिकेमिया। भैया प्लीज डोंट कोरिलेट विद द थाई लंच, थाई फूड इज वेरी गुड, जस्ट टू रिमेंबर द निमोनिक वी हैव डेवलप्ड दिस। तो ईट से क्या बना इथेनबुटोल, थाई से क्या बना थाइजॉइड्स, एल से लंच से क्या बना लेवरडोपा, एफ से क्या बना फ्रूसामाइड, पी से क्या बना पायरोसिनामाइड। ये ड्रग जब लोगे आप लंबे समय तक, तो क्या हो जाएगा, हाइपरयूरिकेमिया या फिर गाउट डेवलप हो जाएगा। तो आपने देखा कि जो ड्रग्स जो टीबी के काम में आती हैं वो कैटेगरी की हैं, और जो ड्रग्स डायूरेटिक होती हैं इनका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, हाइपरयूरिकेमिया या फिर गाउट। So these are the mnemonics related to the gout. Detail के लिए हर individual drug के लिए कि proven acid में क्या है, allopurinol में क्या है, NSAIDs क्या है, इसके लिए आपको अलग videos देखने पड़ेंगे। उसके लिए please subscribe the channel and also don't forget to press bell icon, ताकि जैसे video release हो आपके पास information पहुंच सके। So please be in touch and watch regularly. Thank you. Best of luck.